कहीं इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बन, ये बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग, चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या, अपने आप में समस्या। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करना है करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे। अपनी परवाह के बगैर दुनिया के अंदर दो वैक्सीन देने वाला भारत है और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में।